सब्सक्राइब कीजिए सिविल नोटबुक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की लेसन में हम लोग वेरियस पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों, इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के अगर आप लोगों के मन में कॉन्फ्यूजन होता है तो इस वीडियो के अंत में वो भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की लेसन को। दोस्तों, किसी भी ब्रिज को हम लोग तीन हिस्से में बांट सकते हैं। पहला है देखिए सुपर स्ट्रक्चर और डेकिंग कंपोनेंट, दूसरा है बियरिंग्स, तीसरा है सब स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। ओके दोस्तों, इस इमेज को देख के आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, कौन सा है सुपर स्ट्रक्चर, कौन सा है सब स्ट्रक्चर एंड कौन सा है बियरिंग। बाद में इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में एक एक चीज जानेंगे। दोस्तों, इधर मैंने एक येलो लाइन ड्रॉ किया है। ओके, इस लाइन के ऊपर जितना भी हिस्सा है इसको हम लोग कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर, इसके नीचे जो हिस्सा है इसको हम लोग कहेंगे सब स्ट्रक्चर। और दोस्तों, इस सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर के बीच में कुछ हिस्सा है, इसको हम लोग कहेंगे बियरिंग। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में। दोस्तों, सुपर स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट्स के अंदर क्या क्या आता है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आता है हेवी बीम्स, ग्रीडर्स, डेक स्लैब, आर्चेस, केबल्स, ट्रस मेंबर, पैरापेट, वॉल एटसेट्रा। दोस्तों, ये सब आपका सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आता है। दोस्तों, आर्चेस, केबल, ट्रसेस, ये सब डिपेंड करता है किस तरीके की ब्रिज हम लोग बना रहे हैं इसके ऊपर। ओके दोस्तों, जो रेलवे ब्रिज होता है जनरली वो आपका ट्रस मेंबर से बना हुआ होता है। आप लोगों ने देखा है कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ होता है ट्रसेस से। ओके, अब दोस्तों कहीं कहीं पर आप लोग देखे होंगे आर्चेस, कहीं पर आप लोगों ने देखे होंगे केबल ब्रिजेस कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये डिपेंड करता है किस तरीके की ब्रिज हम लोग बना रहे हैं। ओके दोस्तों, इस पिक्चर में देखिए ये है आपका हेवी बीम्स। ओके दोस्तों, हेवी बीम्स के जगह ग्रीडर्स भी आपका हो सकता है, जो डेक स्लैब एंड इसके ऊपर जितना भी मेंबर्स है इसका लोड कैरी करता है। ओके दोस्तों, ये है आपका डेक स्लैब। ओके दोस्तों, ये है हेवी बीम। दोस्तों, ये है आपका पेवमेंट, इसके ऊपर से कार्स गुजरता है, यहां पर आपका रेल लाइन भी हो सकता है। ओके दोस्तों, ये है आपका पैरापेट वॉल, सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। दोस्तों, इस ब्रिज के ऊपर से जितना भी कार या आदमी गुजरता है इसका लोड को कैरी करता है एक डेक स्लैब। डेक स्लैब इस लोड को इन हेवी बीम्स में ट्रांसफर कर देता है और ये बीम इस लोड को सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करता है। ओके सो ये है आपका सुपर स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्रिज। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं बियरिंग्स इन ब्रिजेस, बियरिंग्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, ये है देखिए हेवी बीम्स, इसके जगह पे आपका ग्रीडर भी हो सकता है। दोस्तों, ये है आपका सुपर स्ट्रक्चर। ओके, नीचे की जो पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं ये है आपका सब स्ट्रक्चर। अब दोस्तों, सुपर स्ट्रक्चर में जितना भी लोड आता है ये बीम के थ्रू सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफर होता है। ओके, अब दोस्तों
हम लोग बीम में जो लोड आता है इसको हम लोग डायरेक्टली सबस्ट्रक्चर में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो सुपर स्ट्रक्चर है ये आपका सुपर स्ट्रक्चर हेवी बीम्स और गिडर भी हो सकता है। और दोस्तों देखिए नीचे है आपका सब स्ट्रक्चर, ओके। अब दोस्तों ये सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर के बीच में हम लोग यूज करते हैं बियरिंग्स। दोस्तों सुपर स्ट्रक्चर में जो लोड आया है इसको सेफली सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग बीच में बियरिंग्स यूज करते हैं। दोस्तों बियरिंग वर्टिकल लोड को तो लेता ही है, साथ ही साथ जो लॉन्गिट्यूडिनल लोड्स आता है इसको भी कैरी करता है। दोस्तों ब्रिज में टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होता है उस लोड को भी ये कैरी कर सकता है। दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग्स अवेलेबल है, बट इसका सिलेक्शन डिपेंड करता है किस तरीके की लोड ब्रिज के ऊपर आ रहा है, ब्रिज की जियोमेट्री कैसा है, कितना क्लियरेंस अवेलेबल है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, रोटेशन कितना है, डिफ्लेक्शन कितना है, मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात जो डिजाइनर है उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है किस तरीके की बियरिंग हम लोग यूज करेंगे। सो दोस्तों ये था बियरिंग्स के बारे में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सब स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों ये जो आप लोग योलो लाइन देख पा रहे हैं इसके ऊपर जितना भी हिस्सा है तो इसको हम लोग कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर। दोस्तों ये है डेक स्लैब। अब इस डेक स्लैब के ऊपर से व्हीकल्स गुजरता है। दोस्तों डेक स्लैब में जो लोड आता है वो आपका बीम में और ग्रिडर्स में ट्रांसफर होता है, ओके। इसके बाद बीम से लोड बियरिंग के थ्रू सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफर होता है। दोस्तों ये जो पूरा हिस्सा आप लोग देख पा रहे हैं ये है सब स्ट्रक्चर, ओके। दोस्तों ब्रिज मल्टीपल स्पैन की हो सकता है इस तरीके से। दोस्तों जहां पर दोनों स्पैन मीट कर रहा है वहां पर आप लोग इस तरीके की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ओके। अब दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं पियर कैप और इसको हम लोग हेड स्टॉक भी बोलते हैं। दोस्तों ये है आपका पियर्स। दोस्तों पियर एक दो या तीन हो सकता है। अब दोस्तों सुपर स्ट्रक्चर से लोड बियरिंग के थ्रू पियर कैप में आता है, उसके बाद लोड पियर्स में आता है, फिर पियर से लोड पाइल कैप में आता है, ओके। दोस्तों ये है आपका पाइल कैप। पाइल कैप से लोड फिर से पाइल्स में ट्रांसफर होता है, ओके। अब दोस्तों पाइल से लोड एंड बियरिंग के थ्रू और स्किन फ्रिक्शन के थ्रू आपका जमी पे ट्रांसफर होता है। दोस्तों पाइल भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप लोग चाहे तो आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अबटमेंट्स के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा जहां पर ब्रिज स्टार्ट होता है और जहां पर आपका ब्रिज एंड होता है वहां पर इस तरीके की आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अबटमेंट्स। दोस्तों ये भी आपका सब स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है, ओके। दोस्तों ये है इस अबटमेंट की क्रॉस सेक्शन, ओके। दोस्तों ये है डेक स्लैब। दोस्तों ये है हेवी बीम, ओके। अब दोस्तों ये है इस अबटमेंट की क्रॉस सेक्शन। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं बीम सीट। नाम से आप लोग समझ पा रहे हैं इस बीम को हम लोग यहां पर रखते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं बीम सीट, ओके। दोस्तों ये है इसकी बैक वॉल। इस पोर्शन को हम लोग कह रहे हैं स्टेम। दोस्तों
ये है इसकी फुटिंग। अब दोस्तों ये इस फुटिंग की टो पोर्शन है, ओके। और दोस्तों ये है इस फुटिंग की हील, ओके। दोस्तों ये था एबटमेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। अब दोस्तों एबटमेंट की जो काम होता है, देखिए ये जो वर्टिकल लोड आ रहा है इसको ये कैरी करता है, उसके साथ साथ देखिए ब्रिज में जो लैटरल फोर्सेस आ रहा है इसको भी ये रेजिस्ट कर रहा है। और दोस्तों देखिए जो बैकफिल है, ये है दोस्तों बैकफिल, इस बैकफिल के वजह से जो प्रेशर आ रहा है इसको भी ये रेजिस्ट करता है, ओके। तो तीन टाइप की लोड ये कैरी करता है, एक तो आपका वर्टिकल लोड कैरी करता है, दूसरा हॉराइजेंटल और लैटरल लोड को भी ये कैरी करता है, उसके बाद जो सॉयल की जो लोड है उसको भी ये कैरी करता है, ओके। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं विंग वॉल्स एंड रिटर्न्स के बारे में। दोस्तों ये किसी अबार्टमेंट की दोनों तरफ यूज हम लोग करते हैं, ओके। दोस्तों ये अगर अबार्टमेंट है इसकी दोनों तरफ हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, ओके। तो दोस्तों ये है आपका विंग वॉल एंड रिटर्न्स। दोस्तों इसका काम होता है अर्थ प्रेशर फ्रॉम द बैकफिल, बैकफिल से जो अर्थ प्रेशर आता है उसको रेजिस्ट करता है। दूसरा है हाइड्रोलिक जो लोड आता है, अगर सॉयल सैचुरेटेड कंडीशन में है तो उस केस में जो हाइड्रोलिक लोड आता है इसको रेजिस्ट करता है। दोस्तों जो सरचार्ज है और जो लाइव लोड्स है इसको भी ये कैरी करता है। दोस्तों ये है आपका विंग वॉल एंड एन रिटर्न्स की काम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ किसी भी ब्रिज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली लेसन पे।